जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों, पैथोलॉजी और क्लिनिक के पंजीकरण किए जा रहे हैं। तोता के ताल स्थित आईएमए भवन में नवीनीकरण के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें निजी क्षेत्र के अस्पताल और क्लिनिक संचालन के लिए पंजीकरण फॉर्म भरे। जिले में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या फिर क्लिनिक है उनके या पैथोलॉजी हैं, उनके जो है रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल का जो है वक्त चल रहा है, किस तरह ये प्रक्रिया चल रही है, इसी विषय पर जो आईएमए के जो सचिव हैं उनसे बात करेंगे। पंकज जी, पहले तो सीनियर से बात कर लें। धन्यवाद आपका, जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए हम लोगों को। तो अभी चलिए, रिनोवेशन का जो काम जो चल रहा है आपका, ये तो ये हर साल क्यों करना पड़ता है, पहले तो ये बताएं, मतलब क्या ऐसी क्या बात है कि ऐसे क्या आप नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, हर साल आपको ये अपडेशन करने पड़ते हैं? निसंदेह ये बात बहुत ही एक तरह से प्रताड़ित करने वाली है चिकित्सकों को ऊपर, कि हर साल जो है हम लोगों को रिन्यूअल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कायदे से तो एक ये 5 साल की प्रक्रिया होनी चाहिए। जब एक बार एक चिकित्सक स्वयं को MCI या NMC में रजिस्टर करा चुका, तो फिर उसको प्रतिवर्ष अपने आप को अपनी डिग्रियों के अपने सर्टिफिकेशंस देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपके अस्पताल में, आपके क्लिनिक में कोई अगर चेंजेस है, कोई अगर बदलाव हो रहा है, तो फिर उनके ऊपर जो है वो लिख करके उन प्रक्रिया से गुजरा जा सकता है। तो ये बताइए सर, ये तो CMO था, ये कार्यालय में तो सारी प्रक्रिया चल रही है, कि IMA भी ये कुछ अपने तरफ से कुछ कर रही है, ये कैंप लगा रही है या फिर ऐसा कोई व्यवस्था बनाई कि एकजुट होकर लोग काम ये सब करा सकें? जी, IMA ने अपने चिकित्सकों के लिए पूरी प्रक्रिया को सरल करने के लिए 1 अप्रैल से एक कैंप लगाया है, जो कि 30 तारीख तक इस कैंप को हम लोग चलाएंगे। और इसमें सभी चिकित्सकों के जो कागज़ उस पर अपलोड होने हैं फॉर्म पर, रिन्यूअल फॉर्म पर, वहाँ पर हम लोग अपलोड करेंगे, जिससे कि ये चिकित्सकों के लिए प्रक्रिया को जो है वो आसान किया जा सके। तो हम देखते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ जो सरकार है कोई नए कानून या नए प्रावधान लेके आती है, तो इस बार 17 बताते हैं कि 17 नए जो चीज़ें हैं जो पुराने उनको मिलाकर बनाया गया, क्या कोई नई चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की गई? जी हाँ, इस बार एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगी चिकित्सकों को, वो ये कि जब हम रिन्यूअल का फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक फायर NOC का कॉलम आ रहा है और उस पर स्टार लगा है, यानी कि ये अनिवार्य है कि हम लोग फायर NOC वहाँ पर जो है वो अपलोड करें। ये संभव नहीं है, क्योंकि सभी चिकित्सकालयों पर, सभी हॉस्पिटल्स को फायर NOC ले पाना वाकई संभव नहीं है। और अभी 2024 में एक रूल्स आए हैं जिसमें कि 9 मीटर से नीचे वाली बिल्डिंग्स को, 500 मीटर कवर्ड एरिया जो बेसमेंट है और 1000 स्क्वायर मीटर वाला जो फर्स्ट फ्लोर वाला जो ग्राउंड फ्लोर वाला जो एरिया है, इस तरह के कुछ उसमें प्रावधान करके ये कहा गया है कि ये लोग जो हैं वो फायर NOC से बच सकते हैं। अभी उसके ऊपर GO नहीं आए हैं और उस पर हमारी शासन के साथ, प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है। दूसरा, जैसे कि एक येलो बोर्ड, एक शासनादेश आया कि एक पीले रंग का बोर्ड 5x3 फुट का हम लोगों को लगाना है, जिसपे अपनी सभी चीज़ों को हमको इंगित करना है, कौन कौन काम कर रहा है, कौन अपने अटेंडेंट्स काम कर रहे हैं, कौन टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। तो ये नई चीज़ इस बार आई है जो पिछले साल नहीं थी। देखने बहुत सी जो, क्योंकि अधिकांश जो आगरा में अस्पताल है, क्लिनिक हैं, वो मतलब कमर्शियल जगहों पर नहीं है, वो रेजिडेंशियल जगहों पर हैं, जो पुराने हैं, जो 30 साल 40 साल या फिर उससे पुराने भी हम देख रहे हैं, लगातार काफ़ी पुराने डॉक्टर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अस्पताल खुले हैं, पर वहाँ पर इस तरह की सुविधा नहीं हो पा रही है, उनको कैसे आप लोग वो कर रहे हैं? बहुत ही आसान सी बात है कि आप एक मोहल्ले में एक बार्बर की दुकान अलाउ कर सकते हैं, एक सब्जी वाले की दुकान अलाउ कर सकते हैं, एक किसी भी कूलर पंखे की दुकान अलाउ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे चिकित्सक की चीज़ को, उसके क्लिनिक को होना है, उसके हॉस्पिटल को होने के ऊपर अगर जो कोई चाबुक चलाया जाए, तो ये बात इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि ये हम लोग डायरेक्ट पब्लिक की दुख दर्द को दूर करने वाले लोग हैं। हम लोगों को ये चीज़ आप लोगों को भी समझनी चाहिए, शासन प्रशासन मीडिया को भी इस बात को समझना चाहिए कि पहले एक अस्पताल बन जाता था, उसके चारों तरफ पूरी की पूरी बसावट होती थी। अब जब चारों तरफ बसावट हो गई, छोटे छोटे मोहल्ले बन गए, तो फिर अब कैसे वहाँ से अस्पताल को हटाया जा सकता है? नहीं, तो बस सही है, पर आपके हम लगातार देखते हैं कि जो लोग, जो अस्पताल संचालक या क्लिनिक संचालक जो रिन्यूअल का काम करा रहे हैं, पर कहीं काम कुछ अटक रहा है तो वो हो नहीं पा रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग में कई सारी समस्याएं आ रही हैं, तो उनके से कैसे आप जो निपट रहे हैं? आप स्वास्थ्य विभाग से जो समस्याएं आ रही हैं उनको हम लोग दूर कर रहे हैं। हमारे को जो हमारे बिहाफ पर जो जो चीज़ें चेंजेस करे जा सकते थे, जैसे कहा गया कि फायर संबंधित उपकरणों को आपको लगाना है,
तो वहाँ पे चिकित्सक बिल्कुल तत्परता के साथ अपने पास जो जो भी चीज़ें बताई गई वो चीज़ें चिकित्सक लगा रहे हैं अपने अस्पतालों में। लगातार जिले में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो हॉस्पिटल जो रिन्यूअल की जो प्रक्रिया वो लगातार चल रही है, उसमें 17 मानक हैं, उनको फिल करना होगा, उसके बाद ही उनको जो है अस्पताल या क्लिनिक की जो परमिशन जो रिन्यूअल की मिल पाएगी। साथ में एक इस बार नई प्रक्रिया ज़रूर बनाई गई है, एक पीले रंग के बोर्ड पर जो है सारे जो अस्पताल या क्लिनिक में जो भी आप सुविधा दे रहे हैं उसमें कौन कौन काम कर रहे हैं उनका नाम उस पर दर्शाना होगा, ताकि सब लोगों को वो पता लग सके कि इस अस्पताल या इस क्लिनिक पर किस तरह की सुविधा और कौन कौन लोग यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। कैमरा मजीद के साथ लक्ष्मी राज सिंह, सी न्यूज़ आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।